हाय एवरीवन, मैं हूँ गरिमा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड, क्योंकि ये है दिग्गू, हमारा वही प्यारा टर्टल जिसे मैंने काफ़ी पहले इसके लिए एक वीडियो अपलोड किया था कि इसके लिए पॉन्ड कैसे बनाया जाए। अब बिफोर आप कुछ भी पूछें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये टर्टल मेरा नहीं है और ये टर्टल उस टाइम भी मेरा नहीं था, ये मेरी मकान मालकिन का टर्टल था। इसकी हालत अच्छी नहीं थी तो मैंने इसके 2 हफ्ते केयर की थी और उसके बाद इसके शेल रॉड को पूरी तरीके से ठीक करने के बाद और पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से खाना देने के बाद ये काफ़ी हेल्दी हो गया। और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि एक बहुत छोटे बास्केट में रहता था, इसके कारण ही क्लोरीन और फंगल इन्फेक्शन के कारण इसका शेल पूरा ख़राब हो चुका था और ये लगभग लाइफलेस होने वाला था और मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने आसपास से कुछ पेबल्स, कुछ प्लांट्स, रेत वगैरह इकट्ठा की इसके लिए और एक छोटा सा घर बनाया, जिसकी वीडियो का जो लिंक है मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे बुरे कमेंट्स आए कि आपने ऐसा कैसे घर बना दिया है। सो ये एक छोटे कंटेनर में रहता था, बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने उसके लिए घर बनाया। ये टर्टल मेरा नहीं था, मैं कुछ और नहीं कर सकती थी इसके लिए, क्योंकि वो ये टर्टल 800 किलोमीटर्स दूर रहता है मेरे घर से। मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर वो टर्टल पॉन्ड बनाया था सो दैट ये छोटा सा क्यूट सा टर्टल एक अच्छे से घर में रह सके। और 8 मंथ तक ये 5 सेंटीमीटर साइज़ का था और अब आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, ये पूरे हथेली जितना बड़ा हो चुका है। कुछ ही मंथ में ये टर्टल काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये वो टब है, इस टब पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया था। और मैं कहना चाहूँगी कि आप कोई भी जानवर या कुछ भी पालते हैं तो उसकी प्रॉपर देखभाल करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। बाय डग्गू, बाय।